आशा लगा लू बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदी सबके जाम में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआ की वजह से हम सब एकदम ठीक है। तो आज हमारे यहाँ पे लास्ट डे है, आज हम जाएंगे थोड़ा सा मार्केट और आज हम दिन में जा रहे हैं ताकि ज्यादा भीड़ नहीं हो, क्योंकि कल हम काम नहीं कर पाए थे। और जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि काम नहीं कर पाए, कोई अफसोस नहीं है, सबसे मिल लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं कहीं मिलने भी जाना है और कुछ लोगों को मिलने भी आना है। सारा अपना एग्जाम देके आ गई है, हिंदी का एग्जाम था, अच्छा हुआ। और अभी अपने ट्यूशन का होमवर्क, दो दिन ट्यूशन की छुट्टी हो गई, जाना पड़ेगा। और यहाँ पे रिजा हमेशा की तरह, ये जैसे अपने घर में कोना बनाया है ना, ऐसे से तुम्हारे घर का ये कोना बना है। और तुम्हें यहाँ के अच्छा लगा? हाँ। चलो अच्छा, रिजा खुश हो गए। आ गए और जो बाहर के खुले के जो मुंह धोना, ब्रश करना होता है ना, इसकी बात ही अलग होती है, मौदा की याद आ जाती है। और ये बच्चे कह रहे चलो भी आपको ऐसी चीजें क्यों पसंद है, तो हमने कहा हमारा बचपन है इसी तरह, मौदा में दो दो महीने बीता है और वहाँ पे जो आप छोटे में जो चीज करते हो ना, जब बचपन में ऐसे ही होता था, खुले हैंडपम्प से पानी भी भराते थे, हर जगह एडजस्ट करते थे। रेडी हो रही है जाने के लिए, तो मैंने कहा ये क्या हाथ में लिए, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है कि इसमें टॉर्च चलेगा जब तक तुम इसे खोलोगी। हाँ, नहीं नहीं लगाएंगे, उजाला होता रहेगा। अच्छा, इसीलिए इतनी अद्भुत चीज कौन लेके आया था? निदा। अच्छा, वहाँ से कतर से। हाँ। अभी हम निकल चुके हैं किसी से मिलने जाने के लिए। आज मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा था, हमने सोचा रास्ते में कि हम फ्रूट्स ले लेते हैं। फ्रूट्स लिए और उसके बाद फिर से ऑटो में बैठ के हम निकल गए हैं। ये हम करोद एरिया में हैं और इनका घर जो है वो बहुत ही प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम, पूरा मोहल्ला मुझे शालू के नाम से जानता है। मार्केट के एक कहती हूँ, दुआ देती हूँ, पूछो इनसे, शालू को दुआ देती हूँ ना, मुंबई आना ठीक है, जल्दी घर पहली बार आ रही है। लेकिन आप थोड़े से दे देती, थोड़े से है, फिर मिलते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? थैंक यू, बहुत दूर से आ रहे हैं, कैसे ढूंढा? चलो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। सुबह से गए थे पहले वहाँ पे और अभी भी मार्केट जाना है, कल का काम नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही आ रहे इतने सारे लोग मिलने आ रहे। दो सहेलियाँ बैठ के बातें कर रही है, अच्छा। सारा के कजिन्स आ गए, ये है निदा, बहुत ही प्यारी, जो मुझे बहुत पसंद है। सारा तुम मिलाओ सबसे, मतलब मेरे भी कजिन्स है, मेरी भी बहन है, लेकिन सारा की सबसे ज्यादा क्लोज है, इसलिए सारा सबसे मिलाएगी। ये है निदा, हमारी कजिन, हमारी फुप्पो की बेटी, फुप्पो की बेटी, दूसरी फुप्पो का बेटा इब्राहिम। सब माशाल्लाह बहुत टाइम बाद इनको देख रही हूँ, तो सब काफी बड़े बड़े हो गए हैं। फिर इसी तरह सबसे मिलने का सिलसिला स्टार्ट हो गया। हमारे सब्सक्राइबर्स मिलने आए हमसे और इनका पार्लर है, कौन सा पार्लर है आपका बताइए? शाहीन ब्यूटी पार्लर, आरिफ नगर में है शाहीन ब्यूटी पार्लर। ये है इनका इंस्टाग्राम पेज, काफी अच्छा लगा मुझे इनका काम, तो अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो इन्हें कॉन्टेक्ट करें। और इनका नाम है सना आबिद। थैंक यू। सारा ने इसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया ना, नहीं बताओ जोर से बोलो। उमरान अहमद सिद्दीकी, नाम है इब्राहिम उल्ला खान। नाचे कल आप इनको मिलाएंगी, पहले भी कहा कि हमारा इनसे ऐसी रिश्ता बहन लगती है, लेकिन नाचे कला का और ज्यादा करीबी इनसे रिश्ता है। बताओ नाचे कला का, हमारी दोनों ढंडे, इसका नाम बेबी है, इसका नाम रानू है। अम्मी की भी बहन लगती है और मेरी खाला लगती है, लेकिन हम लोग सब ऐसे बहनों की तरह या दोस्त कहले इस तरह रहते हैं। तो आप सब मिलने आए तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम इतने टाइम बाद इनसे मिले हैं। और आप सबको भी आना है शादी, मैंने अभी सबको बताया, मैं जानबूझ के वीडियो में कह रही हूँ कि कोई पलटे का नहीं, सब आएंगे, शादी में तो अभी सबको आप सबके बिना फिर सब अधूरा लगेगा। इसका नाम है अफ़ान, शर्मा रहा है लेकिन शुक्र है कि चलो फोटो तो खिंचा ली। और इसका नाम है फातिमा। तो आज दिन का खाना था नाचा खाला की जो देवरानी है शाहीन उनकी तरफ से, और उन्होंने बहुत ही यमी सी छोले और पूरी बनाई थी जो हमने बड़े मजे से खाई। ये नाजा खाला की जो नंद है रानो, ये उनकी नंद है, माशाल्लाह ये लोग बहुत प्यारे हैं, हम इनसे पहले बहुत मिला करते थे, इतने दिनों बाद मिले। और ये जो बेबी है ये उनकी नंद है, और ये उनकी सास। क्यों परेशान हो, सबसे ये बोलती हूं आप क्यों परेशान
खाने में बहुत अच्छा लगता है जो ऐसे बच्चे बोलते हैं, हम पूरा वीडियो देखते हैं देखते हैं। तो ये नाजुक इनसे आप मिल चुकी है, नाजुक हजार की देवरानी और ये उनकी पूरी फैमिली है। सो स्वीट, ये सबसे सबसे प्यारा गिफ्ट है, मुझे बता दो तुम। आज लास्ट डे था ना फ्रेंड्स, तो हमने सोचा आज जाके काम कर लेते हैं, फेस कवर कर लिया ताकि काम आज थोड़ा सा जल्दी हो जाए। हम इस सिटी पहुंच चुके हैं और आज हमें लेना थे जो गले के सेट होते हैं ना हैदराबादी वाले, वो ये मार्केट में बहुत मिलते हैं लहंगे वाली गली में। तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से ले ली हैं और कुछ कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो खाला लेके आ जाएंगी। ये वाली शॉप थी जहाँ पे हमने ऑर्डर दिया है और अभी हम वापस निकल कर अम्मी और बेटी खाला ने परांदे मंगाए थे। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? फिर हम घर आए तो हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर हमसे मिलने के लिए बैठी थी, इसका नाम सना था, बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, इससे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और आपको पता है कि सबा को बिरयानी कितनी ज्यादा पसंद है, और जब मैं यहाँ पे आई और हमने सोचा जब घर में ही बिरयानी बनती है तो हम बाहर से क्यों मंगाए। तो यह है खाला के देवर, तो इनकी बहुत ही अच्छी शॉप है, उसका एड्रेस मैं यहाँ पे डाल दूंगी। अब ये कौन सी बिरयानी है आप ये बताओ? मसाला बिरयानी। मतलब बिरयानी तो भोपाल में बहुत सारे तरीके की बनती है लेकिन सिंपल वाली, अगर आपको थोड़ा चटपटा और स्पाइसी खाना पसंद है तो आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। मैं नंबर डाल दूंगी और आप सबको अच्छे से अच्छा बिरयानी खिलाना। एक्साइटमेंट में आपको शॉप का नाम बताना भूल गई, शॉप का नाम है समर चिकन बिरयानी। मैंने इनसे कहा कि ये लोग स्कूल में साथ पढ़े, कॉलेज में साथ पढ़े, वैसे ये लोग कह रहे हैं दोस्त है लेकिन मुझे लग रहा है दोस्त ज्यादा है। तो हमने इनसे कहा है कि आपको साथ में एंगेजमेंट जल्दी करनी है और ने कहा भी अल्लाह इंशाल्लाह जल्दी कराए। हाँ, क्योंकि इनका चैनल भी एक ही नाम से है, सना अमान, तो हमने कहा कि फिर साथ में ही बनाओ, साथ में पूरी जिंदगी साथ रहो और हम सबको ऐसे ही साथ खुशी खुशी देखो। सुबह से अभी एक पल भी फ्री नहीं बैठे लेकिन बच्चों से वादा किया था कि मॉल जाएंगे तो अभी हम मॉल के लिए निकल गए कपड़े वपड़े चेंज करके। तो हम लोग आपे में जा रहे थे, ऐसे पता नहीं क्या कहते आपके यहाँ मौधा में, इसे आपे कहते थे। सारा पीछे बैठी तो मैंने कहा मैं भी बैठूंगी और इसमें बैठ के हम गए डीबी मॉल, बड़ा मजा आया। लेकिन एक बार ऐसा धक्का लगा था सारा मजा निकल गया। फ्रेंड्स हम लोग अभी पहुंच चुके हैं डीबी मॉल और हम लोग खाएंगे पिज़्ज़ा। यहाँ पे भी हम कुछ अपने पहचान के लोगों से मिले जिनसे मैं घर नहीं जा सकी, जिनको नहीं बुला सकी, उनको मैंने बोला था आप मॉल में आ जाना। और सारा को पिज्जा बहुत कम खाने को मिलता है, वो लोग बहुत कम मॉल जाते हैं, तो हमने कहा हम सारा को पिज्जा खिलाते हैं और देखो ना जगह सारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है, बैठे हैं पिज्जा ऑर्डर करके अभी खाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए ये है मेरा स्कूल का फ्रेंड समीन और उसकी प्यारी सी बीवी, इनकी शादी हो गई और हम मिल भी नहीं पाए, हम आ भी नहीं पाए, इतने सालों बाद मिलके इतना अच्छा लग रहा था। हमने 5th class से 10th class तक साथ में पढ़ा है तो वो पुरानी सारी बातें याद आ गई, सच में बहुत ही खुशी हुई मिलके। पिज़्ज़ा हट वालों ने बोला अच्छा लगा है तो घंटी बजाओ। थैंक यू। रिजा उतनी चीज लेना जितनी लेके जा सको, सारा ले लेना तुम्हें जो लेना है। रिजा तो लेती रहती है। कैप चाहिए जो लगाते हाँ तो लो फिर। जान लिया। हाँ, ये तो है। हाँ इधर आओ, बड़ा तो नहीं है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है ये ले लो। अभी हम डीवी मॉल के मिस्टर DIY स्टोर में है, मतलब मुझे पता नहीं था कि मॉल में इतना प्यारा सा स्टोर, इतनी प्यारी प्यारी सी चीजें हैं। रिजा तो देख के एकदम ही वो हो गई है और सारा को भी कैप उसका पसंद का मिल गया है। मुझे लग रहा है मैं भी बहुत सारी चीजें ले लूं लेकिन लेके कैसे जाएंगे, अभी सूटकेस भी लेना है। कितने अच्छे हैं सारा, तुम्हें भी जो चाहिए ले लो। पेन ले लो, पाउच ये भी है। क्या ले रहे हो? मिल ही नहीं रहा हम, क्या चाहिए? अच्छा एक किलो लगा लेगी उसका बस चलेगा। देखती जा रही हूँ, इतनी भरा आ गई है वो। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा। डायरी भी है क्या? रहा पेपर है, वॉलपेपर भी ले लो। ये छोटी डायरी कोचिंग का होमवर्क लिखेंगे इसमें। ये क्यूट सी चीजें हैं, बाल्टी डब्बे, ट्यूबवेल से पानी भरती थी। ट्यूबवेल तो नहीं, हैंडपंप से। अरे वही जो भी होता है, ट्यूबवेल वाला और पुराना जमाना था आवा का। बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें हैं फ्रेंड्स इधर। ये भी है,
नहीं ये छोटा वाला रजा तुम भी हेयर की शादी के लिए लेना है वैसे शादी में हेयर बैंड लगाओगी वो तो हेयर स्टाइलिस्ट हेयर बनाएगी और इनका प्राइजेस भी काफी अच्छे हैं रजा ने लिया ये क्लिप क्लचर भी है देखो क्लचर नहीं लेना मिरर्स भी हैं टूट नहीं जा रास्ते में मिरर नहीं लेके जा रहे मैं बता रही हूँ कि मिरर है रेहान के लिए क्या लूंगा समझ ही नहीं आ रहा बहुत ही प्यारे हैं ये 4000 का भी नहीं ले रहा देखो वहाँ मुझे मेरा भाई मिल गया उसके बाद फ्रेंड्स सामान थोड़ा ज्यादा हो गया था सूटकेस लेनी थी सूटकेस ले ली है उसके बाद हम लोग न्यू मार्केट आ गए मतलब सुबह से इतनी थकान क्योंकि हमने कल कुछ कपड़े लिए थे उसे ऑर्डर करने के लिए डाला था तो अभी खाला उसे उठाने के लिए हम लोग यहीं रुक गए हैं जैसे ही हम घर पहुंचे ना हमारे लिए इतना प्यारा सा सरप्राइज था ये खाला की नंद की बेटी ने ब्राइड टू बी वाला कुछ सेलिब्रेशन रखा था हमारे लिए थैंक यू सो मच सबको थैंक यू चलो फर्स्ट हमारी तरफ से हां सबसे स्पेशल सबसे तुम्हारी तरफ से फ्रेंड्स आशु की भी शादी है 26 को तो इसको भी दुआएं दें गाओ कोई कुछ कल निकलना था मौका ही नहीं मिला सब्जी लेने का क्योंकि जो रास्ते के लिए सब्जी बना के देंगी खाला उसके लिए सब्जी तो लेनी पड़ेगी ना और भोपाल के सेब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जैसे ही लौटे फिर हमारे प्यारे से देखने वाले बच्चे वहाँ पे थे तो उनसे मिले ये है सारा की क्लासमेट हुमैरा और उसकी फैमिली मुझे म्यूजिक के बारे में थोड़ा कम पता है आपका नाम क्या है डीजे अतीक खान पार्टी सारी पार्टीज कर रहे हैं शादी जो भी होती है बर्थडे पार्टी किसी भी तरह की पार्टी के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट होगी ना तो आप इन्हें कांटेक्ट करें फ्रेंड्स 11 बज चुका है अभी भी खाने का बिल्कुल मौका नहीं मिला इतने सारे लोगों से मिल के लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना ज्यादा कम है उतना ज्यादा लेकिन बस थोड़ी सी थकान हो गई है ऐसा हुआ है कि बहुत कम दिन के लिए आए लोगों की गलती नहीं है वो तो मोहब्बत करते हैं वो तो मिलने आएंगे सिर्फ मेरी गलती है कि मैं 3 दिन के लिए आई हूँ और इतने सालों बाद आई हूँ इतने सारे लोग हमारी फैमिली से मोहब्बत करते होंगे इसका मुझे नहीं अंदाजा था नाजा खाला के जो पूरे खानदान के लोग बहुत प्यारे इतना स्पेशल फील करा रहे हैं सब ब्राइड टू बी वाला भी मुझे सरप्राइज किया और बहुत अच्छा लगा अभी मेरी चाय ठंडी हो जाएगी मैं बाकी बातें आपसे बाद में करती हूँ फ्रेंड्स घर की हालत देखिए इतने सारे गिफ्ट इतने सारे केक और ये बेचारी है दोनों काम में लगी हुई है थैंक यू अम्मी के लिए इतनी मेहनत अम्मी की स्पेशल फरमाइश पे लड्डू बन रहे हैं और ये एक और ये भी नाचा खाले की देवरानी है बाकी सबसे तो मिलवा दिया था ये सबसे छोटी वाली है और अम्मी की खाले की भी बेटी है तो अम्मी के लिए स्पेशली बताओ इतनी रात में मेहनत करने आई है ये बहुत अच्छे लड्डू बनाती है कौन से लड्डू है ड्राई फ्रूट्स के आटा के आटे के लड्डू ये बिरयानी जो हमारी सब्सक्राइबर सना उनसे मिलने आई थी उसकी अम्मी ने बना के भेजी है थैंक यू सो मच आंटी और अब यहाँ पे रात में 3 बजे खाला ने कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया है जो हम रास्ते में सब्जी लेके जाएंगे वो बन रही ये है ये इतनी सारी चीजें जो आपने इतने प्यार से दी थी वो सब इकट्ठा हो गई है फ्रेंड्स मैं देख रही थी इसमें से क्या लेके जा सकती हूँ क्या नहीं लेके जा सकती आप सबका दिल से शुक्रिया और गिफ्ट की बात नहीं है फ्रेंड्स बस आप सबका प्यार चाहिए हमेशा अभी इतनी जल्दी वक्त बीत गया और पैकिंग करने का भी टाइम आ गया इतनी सारी चीजें लाए थे पूरे कपड़े अच्छे से पहन भी नहीं पाए ना बोट क्लब घूम पाए
पाए न कहीं जा पाए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। सामान काफी ज्यादा हो गया क्योंकि हमने अपने काफी सूट्स ले लिए और एक नई सूटकेस भी लेनी पड़ी और काफी लोगों की तरफ से बहुत सारे केक्स मिल गए, सारी चीजें, क्योंकि सबको पता है कि सबको जेवी वाले केक पसंद है, तो इतने सारे लोग लेके आए। ये देखिए हम ये लेके जा रहे हैं, आपकी जिंदगी में केक की तरह मिठास भरी रहे। चलो बस अभी आधा घंटा बचा हम लोग के निकलने में, नाचा गाने सारी तैयारी कर दी है, सारा अभी सो रही है और उसको नहीं जगाएंगे है ना भाई, तो फिर हो जाता है, आना जाना तो लगा रहता है, अभी मौधा हम इतनी जल्दी मिलना है। फ्रेंड्स ये मिक्सी दिखा रही थी, बताओ ये मिक्सी कब की है? मिक्सी? हाँ मिक्सी, मुझे लग रहा है पैदा ना हुई होगी, जब पैदा नहीं है, 8 साल तो अभी हो गए, फिर उसे कम से कम 8 साल 15 साल पुरानी होगी। हाँ, इतनी तो आराम से होगी, और वो भी बिगड़ गई थी तो सही कराने खालू ले गए थे। हाँ। मिस्त्री कह रहे थे नहीं ये खराब नहीं है, ऐसा मॉडल तुम्हें कभी नहीं मिला, आजकल लोकल चले इसी को सही करा के लेके जाओ। ये फ्रेंड्स देखिए, अम्मी की, अम्मी जब देखेंगी ना अम्मी को याद आ जाएगी, और सच में पहले की जो चीजें होती थी वो बहुत मतलब टिकाऊ होती थी। रेडी? बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई फ्रेंड्स सारा को जगा के अल्लाह हाफिज कहने की, तो ऐसे ही कह अल्लाह हाफिज, जल्दी मिलेंगे, आइएगा इंशाल्लाह। जाते जाते वक्त तक भी हमारे सब्सक्राइबर लोग हमसे मिलने आए हैं। कहीं से भी जाना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता है, और फिर ऐसी जगह से जहाँ आपको इतना प्यार इतना अपनापन मिला हो, थैंक यू सो मच सारे भोपाल वालों, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, आई लव यू।